उत्तर प्रदेश में अगर गलती से भर्ती आ भी जाए और मेहनत करके बच्चा लग जाए तो उसमें कंफर्म नहीं है कि भाई वो नौकरी आगे तक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों 5 साल हो चुके हैं भर्ती को हुए हुए और ज्वाइनिंग किए हुए। दोस्तों बच्चे काफ़ी अच्छे से अपनी मेहनत के साथ स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक फैसला आ चुका है कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती की जो है मेरिट वो दोबारा से बनेगी, नए सिरे से मेरिट बनने वाली है। जो मेरिट हम लोगों ने बनाई थी उसको जो है कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों ये कैंसिल हो चुकी है, अब जो है भर्ती रद्द तो नहीं हुई है लेकिन मेरिट जो है वो आपकी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल नए सिरे से आपकी मेरिट बनेगी। दोस्तों 3 महीने का समय दिया गया है, 3 माह का समय दिया गया है सरकार को एक नए तरीके से भर्ती बना जो मेरिट है उसको बनाया जाए और नए सिरे से जो है चीजें दोबारा से होंगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो टीचर लगे हुए हैं क्या उन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो भी बाहर हो सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों जी हाँ, वो बाहर हो सकते हैं। अब मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे पास पूरी PDF है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इस वाले पॉइंट को कि भाई इसमें लिखा हुआ है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 97 अंक अर्थात 65% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों को यानी कि अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। अन्य समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णतः 150 पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए उत्तीर्ण माना जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पॉइंट दिखा देता हूँ वो वाला जिसमें ये कहा गया है कि भाई वैकेंसी से बाहर हो सकते हैं कौन, जो मेरिट में रह जाएंगे, क्योंकि नए तरीके से मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। आप लोग जो है अगर आपके पास ये PDF हो तो आप सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे देख लेना, है ना, पेज नंबर ये 50 है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। या दोस्तों एक काम करते हैं, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो मैंने हिंदी में भी इसका संपूर्ण सार निकाल रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, थोड़ा जूम कर लेते हैं ज्यादा ताकि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सको। ठीक है, ओके सॉरी, दिख रहा होगा। ठीक, तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवीन सूची तैयार करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी राज्य सरकार समक्ष प्राधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित होता है तो उसे सत्र लाभ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसे सत्र लाभ दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को परेशानी ना हो। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी जो कार्यरत है वो सूची से बाहर होता है, दोस्तों बिल्कुल बाहर भी होंगे क्योंकि 6800 जो विद्यार्थी हैं इनको इसमें समाहित किया जाएगा 69,000 में, और जो नीट से बाहर हो जाएंगे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, वो आगे के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें तो भर सकते हैं लेकिन दोस्तों वो फिलहाल के लिए हटा दिए जाएंगे। तो उसमें जो है जैसे मान लीजिए 2024 सत्र चल रहा है आपका पूरा का पूरा ये, ठीक है, तो इसमें क्या है अगर वो हटते हैं तो इस साल का उनको लाभ दिया जाएगा, यानी कि वो जो है पढ़ा सकते हैं इस सत्र के लिए ताकि विद्यार्थियों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ इसको जो है कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जैसे भी आप लोग देखना चाहें। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये खबर आ रही है कि जो 69,000 वैकेंसी में लगे हुए विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं उनको जो है सेफ रखा जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। तो इसमें साफ साफ ये कहा गया भैया अगर कोई विद्यार्थी प्रभावित होता है हटेंगे 100% हटेंगे, दोस्तों 100% हटेंगे जो लगे हुए हैं, आधे बच्चे जो है वो हटने वाले हैं। आधे का मतलब ये होगा कि जो अयोग्य माने जाएंगे क्योंकि सूची से जो बाहर हो जाएंगे वो हटने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं जैसे बोल रहा था आप लोगों से कि अगर वैकेंसी आ जाए गलती से उत्तर प्रदेश में तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि भाई हम लोग नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बच्चा हटेगा अब उसके दिल से पूछ के देखना क्या उसके ऊपर बीतेगी, भाई 5 साल हो गए करते हुए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हटने वाली नोबल जो है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, इस वाले पॉइंट में आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है नए सिरे से मेरिट बनने वाली है और हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है, यूपी सरकार को नई सूची बनाने का आदेश दिया गया है, 3 माह के अंतर्गत जो है यूपी सरकार इस पर अमल करने वाली है। ठीक, तो जो भी आपके कमेंट हो इससे संबंधित आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको कैसा लगता है भाई यूपी में भाई शिक्षक भर्ती, अभी हम लोग आस लगाए बैठे थे कि शिक्षक भर्ती आएगी, भाई आने की तो बात अलग है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, शिक्षक जो है सरप्लस हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।